आज हम सुनने वाले हैं एक ओएसटी, और जिस ड्रामे का ओएसटी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है सिंफे अहान। सो गाइज, हमने ऑलरेडी इसके टीजर्स हमने देखे हैं और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। और ये ISPR में आ रखी है वीडियो, मतलब जो ये सॉन्ग है ओएसटी है ये ISPR वालों ने डाल रखा है। सो क्योंकि आर्मी से रिलेटेड क्योंकि है। आर्मी से ही रिलेटेड थी वो भी, हाँ, इनका जो पूरा ड्रामा है वो। सो गाइज, देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जो सिंगर है वो है आसिम अजहर, और हमने इनके बहुत सारे सॉन्ग सुने और सभी ने बहुत सारे फेमस इनके, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस बहुत हुए। ही ज्यादा इंडिया में भी बहुत हाँ, ज्यादा। तो गाइज बहुत फैंस भी बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा इंडिया में इनके। तो गाइज देखते हैं ये ओएसटी कैसा होता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बादल पे अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे, चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोज, ये झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी। तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम ऐसे हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे पाए कर ले खुद से ये अहद, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर, हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मैं मुश्किल रास्तों पे चलना भूल के सारे दे, तेरे हमको ये बताए जीत का है अज़म, हाँ दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम, तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, के देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की,
बहुत सही था, बहुत। सो गाइस जो ओएसटी था बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लाइक हमने आसिम अजहर को बहुत टाइम के बाद सुना है, बट स्टिल उनकी वॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट मैं मतलब मैं बोलूंगी कि मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी वो मुझे ओएसटी के जो लिरिक्स थे, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि पूरे जो लिरिक्स थे उसमें यही बताया गया था कि आज के टाइम पे लड़कियां वीक नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत कुछ कर सकती है, उन्हें जो अचीव करना है वो अचीव कर सकती है, उनके जो भी गोल्स मतलब जो गोल्स वगैरह जो कुछ भी है हर चीज वो आज के टाइम पे कर सकती हैं। सो इस मुझे इसके वजह से ही इसके जो लिरिक्स थे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। और सिर्फ लिरिक्स ही नहीं, जिस तरीके से ड्रामा बनाया है, मतलब जो थॉट के साथ ये ड्रामा बना है, मतलब इससे बस लड़कियों की कहानी है, जैसे हमने इसके टीजर्स भी देखे थे उसमें, मतलब अलग अलग स्टोरी है अलग अलग लड़की की, तो ये थॉट ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो भी वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लड़कियों का खैर बाकी फील्ड में जाने देते हैं, बट आर्मी ऐसी चीज है थोड़ा मतलब नहीं जाने देते, हार्ड होता है, बट तो उसके ऊपर ये ड्रामा बनाना, इससे क्या होगा, बहुत अच्छी चीज है, इससे यही होगा कि ना लड़कियां और ज्यादा मोटिवेट होंगी, जो मतलब जाना भी एक होता है ना कि कोई कोई जाना भी चाहता है बट फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है, बट ऐसे ड्रामे अगर बनेंगे तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगी और उनको भी एक मिलेगी, हिम्मत मिलेगी जिससे वो जा पाएंगी आगे, और बहुत ज्यादा अच्छी बात है अगर ऐसे ड्रामे और भी ज्यादा बने पाकिस्तान में और इंडिया में भी बनने लग जाए, फिर तो बहुत ही मजा, बहुत ही अच्छा है। बट कोई नहीं, हम क्योंकि बहुत अच्छी चीज है कि यूट्यूब में अपलोड हो जाते हैं एपिसोड्स तो हम देख पाते हैं, वरना क्योंकि अगर उसमें होते हैं अगर सिर्फ टीवी में आते हैं तो फिर नहीं देख पाते, बट बहुत अच्छी बात है कि यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं इससे हम, एंड हम जरूर देखेंगे। मतलब अभी आई थिंक इसके एपिसोड्स आ चुके बहुत टाइम हो गया, हमने नहीं देखा क्योंकि हमें अभी अभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम अभी ऑलरेडी दो तीन देख ही रहे थे इस वजह से, बट नहीं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं तो ये पक्का देखूंगी। और गाइस बता, सही लग रहा है। और गाइस एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जैसे जैसे बीच में एकदम से इनका नेशनल एंथम जो आया वो गाइस वो मतलब वाइब ही अलग थी, ट्यून ली थी बट वो इतनी मतलब वो बहुत अच्छा, मतलब सच में किसी के भी अंदर वो पेट्रियोटिज्म ना आ जाए। मतलब ये सुन के तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा गाइस। और अगर हम आसिम अजहर को देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत कमाल कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसा सॉन्ग निकालना बहुत अलग बात होती है और अच्छा लगता है, जो कि अपनी कंट्री की आर्मी को आर्मी के लिए था एंड प्लस वो लड़कियों के लिए था, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि वो लड़कियों के लिए गाया था एंड वो एक मेल ने गाया था फीमेल्स के लिए, है ना, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हमें ये ओएसटी, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।